अच्छा बताओ, भगवान से आप लोगों को शिकायतें हैं या नहीं? कुछ लोग शिकायत करते हैं, भगवान तुमसे बड़ी शिकायत है, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। लोग भगवान से शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने हमें बेटा नहीं दिया, तुमने हमें बेटी नहीं दी, तुमने हमें पैसा नहीं दिया। एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा यदि 10,000 के जूते पहनने वाले को तुम देखोगे ना तो सदा दुखी रहोगे, ये मत देखो कि तुम्हारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, अरे ये देखो कि तुम्हारे शहर में तुम्हारे गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जूता पहनने को पांव नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास दो पांव तो दिए ना ईश्वर ने। आपके आसनसोल में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास पांव नहीं है, हाँ या ना? और आप क्या देखते हैं कि उसने 10,000 के जूते पहने हैं। अरे उसे ना देखो जो 10,000 के जूते पहनता है, उसे देखो जिसके पास जूता पहनने के लिए लोग। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हाथ पर जूता चप्पल पहनकर घिसट घिसट कर चलते हैं। आपने देखे कभी ऐसे लोग, हाँ या ना? जानते हैं ऐसे लोग क्यों होते हैं? ताकि आप देख सकें और ईश्वर का धन्यवाद दे सकें कि विधाता आपने हमें कितनी अच्छी जिंदगी दी है। हम अपने पांव से चल रहे हैं, हम अपने हाथ से अपने काम कर रहे हैं, वरना लोग अपने हाथ से पानी पीने के लायक नहीं होने, कोई पानी पिलाए तो पानी पिएंगे, कोई खिलाए तो खाएंगे, ऐसे लोग भी समाज में हैं। आपके पास जो नहीं है उसकी शिकायत करते हैं, जो है उसका धन्यवाद देना सीखिए। बताइए आपके पास ईश्वर ने इतना दे रखा है या नहीं कि आप ईश्वर का धन्यवाद दे सकें। आप बंगाल में रहते हैं, आज भी बंगाल में हजारों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। आप अच्छे हैं ना उन लोगों से? आज भी बंगाल में ऐसे लोग होंगे, आप अपने कपड़े पहनने वाले जब उतार कर आप कह दें कि ये कपड़े मैं किसी को देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो कपड़े लेने वालों की लाइन लग जाएगी कि भाई हमें दे दो। ऐसे लोग हैं, आपकी उतारी हुई साड़ी आप किसी को देना चाहें तो लेने वाले 50 होंगे, और आप फिर भी कहते हैं कि ईश्वर तुमने हमें क्या दिया। अरे राम राम, जो दिया है धन्यवाद दीजिए। क्या दी भगवान ने आपको? देखने को आंखें दी हैं, सुनने को कान दिए हैं। अंधा बना दिया होता तो क्या कर लेते, बहरा बना दिया होता तो क्या कर लेते। अरे आज भी समाज में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, आप पेट भर खा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देना सीखिए। हाँ, करते हैं प्रभु का धन्यवाद कि हे प्रभु, हाँ तो भगवान का धन्यवाद करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज जी हमारे बहू के बेटा नहीं हो रहा है, तीन तीन बेटियां हैं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, हमें बेटा नहीं दिया। अच्छा बताओ, जिसकी तीन बेटियां हैं भगवान ने उसके साथ सही किया कि गलत किया? जोर से आप कहते हैं भगवान ने गलत किया, बेटा नहीं दिया। अरे राम राम, आप भगवान को गलत ठहरा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके भाग्य में तो बेटी भी नहीं थी, ईश्वर ने कृपा करके बेटी दी। जिनके बेटा बेटी कुछ नहीं है वो लोग कहते हैं कि एक बेटी ही हो जाए, भगवान कृपा करें। जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए, जो नहीं है उसकी शिकायतें जीवन में बताओ शिकायत होनी चाहिए। अरे जो मिला है आप लोगों के पास जितना है, आप जितने लोग यहां बैठे हैं आप लोगों के पास जितना है उतना भी लोगों के पास नहीं है, ये बात सही है या गलत है? अरे जितना आप लोगों के पास है उसका आधा भी लोगों के पास नहीं है, ये बात सही है या गलत है? फिर भी आपको शिकायत है। इसलिए
शिकायत नहीं। तो आज से कितने लोग ईश्वर का सवेरे शाम धन्यवाद देंगे, हे प्रभु करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं। आप में से कितने लोग भगवान का दिया खाते हैं? हम तो इन्हीं का दिया खाते हैं, बाकी कुछ लोग कहते हैं हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं। ना साहब, हम अपनी मेहनत का नहीं, हम तो गोविंद की कृपा का खाते हैं।